हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो भाई, क्लीन शेव देख के मेरे को जज मत करना, सिर्फ ट्रिम किया। अभी भी दाढ़ी आ रही है पर डिटेल दिखेगी नहीं। तो इस वीडियो को भाई मैं बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भी बोर्ड्स आ रहे हैं। तो मैं भी जैसे तैसे करके कंटिन्यूटी रखी है मैंने सोचू। तो ये जो शॉर्ट वीडियो, ये फ़ोन पर एडिट किया जाएगा, मेरे लैपटॉप पर भी नहीं। लैपटॉप पर मैंने बेचारे को 3 दिन से चालू नहीं किया, अब कल करूँगा मैं। कुछ ना कुछ तो करूँगा लैपटॉप पर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का टॉपिक एक पॉडकास्ट ही समझ लो। तो इस पॉडकास्ट का टॉपिक है माई कम्फर्ट जोन, हाउ माई कम्फर्ट जोन किल्ड मी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये बात है 2019 की। आप सोच रहे होगे 2020 लोगों का ख़राब किया मेरा, 2019 नहीं भाई, 2019 से ही चलते हैं। मार्च में मेरे बोर्ड्स हुए हैं। एक्चुअली सब जनवरी से सब प्रिपरेशन चालू हो गया था मेरे कम्फर्ट जोन का। लाइफ बहुत ऊपर नीचे से चल रही है, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज मान लो स्टडीज़ में, वो जब बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, हर चीज़ में से नेगेटिविटी आती जा रही थी। काफ़ी काफ़ी मुश्किल था। मेरा टीचर तो मुझे नेगेटिविटी नेगेटिव थॉट्स देता था कि यार तू पास नहीं होगा तो फेल होगा, देखो कंपार्टमेंट आएगी। ठीक है, उस सबको भी असाइड करके मैंने सब ट्राई किया। ठीक है, किसी लोगों को मैं बहुत ओवर थिंक करता था कि यार कोई मेरी लाइफ छोड़ के चला गया। जैसे आज कोई छोड़ के चला जाएगा तो भाड़ में जाए, मैं सच में कदर नहीं करूँगा। या तो शॉर्ट करेंगे, और वो शॉर्ट में नहीं मानता या मानती है तो भाड़ में जाए। ओके, तो मुझे वो एटीट्यूड रखना पड़ेगा। अगर लाइफ में जीना है ना, वो एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है और बहुत बहुत नीड है। और रिकनेक्शन भी मैं उससे करता हूँ जो पीछे सोच रहा है कि यार ये बात नहीं कर रही है। तो यार अगर इमोशनल हो जाओ तो देख लेना, वैसे मुझे रोना आता नहीं, मैं भूल चुका हूँ। तो जनवरी फरवरी मार्च में मेरे बोर्ड्स में काफ़ी प्रिपरेशन किया, बोर्ड्स निकाले मेरे। उसके बाद अप्रैल में मैं थोड़ा बहुत घूमा, एक्सप्लोर किया, जिसके मैंने ब्लॉग्स ओल्ड के भी ओल्ड चैनल पर डाले थे। तो मैं में मेरा रिजल्ट आता है। एक्चुअली मैं रहता था नानी टाउन में, रहता नानी हाउस में, नानी शेट, मैं उल्लासनगर में था इन शॉर्ट। बस तो मैं 1 तारीख को उल्लासनगर पहुंचा पुणे 10 दिन रह के। तो एक मई के बाद 2 मई को 12th का रिजल्ट अचानक से आ जाता है। ब्रेकिंग न्यूज़ में 12th वालों का रिजल्ट आ जाता है CBSE में 2019 में। ठीक है, फिर उसका रूमर आ गया कि 5 मई को रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, टेंशन टेंशन में गया। 5 मई को पता चलता है कि रूमर था, तो 6 रिज़ल्ट नहीं आएगा। 6 को मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है कि यार आज रिज़ल्ट आ रहा है। मैंने बोला जा बे तू। उसने बोला ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं तेरे को पार्टी दूंगी। बोला ठीक है। मैं घर पहुंचा, मैंने रिज़ल्ट ट्राई किया, देखा। तो पहले मैंने मेरे दोस्त का देख लिया, उसको भी कंपार्टमेंट आई 2 में। ठीक है, थोड़ी राहत मुझे अंदर से पता नहीं क्यों मिली। मुझे लग रहा था मैं पास हूँ, मेरी मेहनत मैंने इतनी की थी। उसके बाद मैं उन 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ जिसमें मेरा दोस्त हुआ था, वो बेस्ट फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड फीमेल थी। तो उसके बाद जब मैं मेरी सिटी आया 4 दिन बाद, तो चीज़ों को मैंने इतना इतना हैवी करना चालू कर दिया। मेरी डिप्रेशन, एक डिप्रेस्ड आदमी और एक एनजाइटी, एनजाइटी का तो मीनिंग नहीं पता था, एक डिप्रेशन जैसी चीज़ मेरे अंदर आ गई थी। और डिप्रेस में पहले भी हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं लोगों से कनेक्शन, नए लोगों से मिलना चालू किया, तो मैं नए लोगों से कनेक्ट होना चालू हो गया ऑटोमेटिकली। मैं किसी 2 लड़कियों से, जो मुंह बोली बहन जिनको बोल दो, ये बहन जैसी थी, मैं उनसे बहुत अटैच हो गया। जून जून निकला, जुलाई निकला, मैं चिड़चिड़ा सा बन गया। मैंने मेरी एक बेस्ट फ्रेंड और एक थी, एक और अच्छी, 2 बेस्ट फ्रेंड मान लो, उनसे मैं हर चीज़ शेयर करता था। दोनों की हसीन लाइफ, दोनों से बातें शेयर करता, दोनों पकना चालू हो गई। ठीक है, आई एक्सेप्ट कि मैंने चीज़ें भारी करना चालू की, मैंने चीज़ों को इरीटेटिंग से बनाना चालू कर दिया। फिर जब मैंने कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम दिए, मुझे और मैं प्लान करके गया था मैं कंपार्टमेंट फेल होऊंगा, तो सब चीज़ें होती गई। मैं 10th फेल था, मैं रिपीट का एडमिशन लिया। मेरी लाइफ इतनी अपसेट डाउन हो गई थी, मैं चीज़ों को इतना हैवी करने लग गया था, इतना हैवी। और एक मेरा एक पुराना दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, जो सिर्फ सामने दोस्त था पीछे सांप था मेरे लिए। वो मेरे लिए दोस्ती रखता था, बट सांप ज़्यादा था वो मेरे लिए, एक सांप था जिसको मुझे पहचान भी नहीं सका। मेरे इतने कंफर्ट, वो कंफर्ट जोन वहाँ से चालू हुआ। प्रिपरेशन ठीक है, अभी 6 महीने, जब वो कंफर्ट जोन चालू हुआ ना मेरा, तो मैं उसको पहचान भी नहीं पाया। मैं ये भी नहीं पहचान पाया कि कौन मेरे को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, कौन मेरे को प्रायोरिटी पे रख रहा है, कौन मेरे से परेशान है। परेशान लोगों में पहचान, लोग खुश है मैं ज़्यादा देख रहा था। तो इंस्टाग्राम पे भी मैं फालतू के टिकटॉक की स्टोरी वीडियोज़ डालने लग गया, कुछ भी, सब मतलब अपसाइड डाउन होना चालू हो गए थे। मेरे खुद के, मेरा हमारा जो ग्रुप था फाइवर, सबकी वाट लग गई थी, हम 5ों की। कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से, हमारा पूरा ग्रुप बिखर चुका था बहुत बहुत। अब एंड में हमारा ग्रुप भी बन जाता है,
तो एंड में बहुत टाइम है। तो जब अगस्त सितंबर निकला, अक्टूबर में मेरी दो बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को इग्नोर करना चालू कर दिया। ओके, मैं काफ़ी परेशान सा होने लग गया कि यार ये वो लोग थे जिनसे मैं सारी बातें शेयर करता था। मैंने लिस्ट बनाई थी लोगों की कि जिनसे रिलेशन रखना है कि नहीं, उनमें से ये दो टॉप पे थी। एक से तो मैं राखी भी बंद होता था। वो मेरे बर्थडे के पहले मैंने जो दो लड़कियों से अटैच हुआ था बेफोकट की, मैं उनके मैटर्स में घुसना चालू हो गया। मैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक करने लग गया कि जैसे मैं उनका बाप हूँ। ठीक है, होता है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, पर आपसे वो आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा। अगर आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो वो मैटर भी करता है कि आप हाँ उनके मैटर्स में जा सकते हो, आप उनके पर्सनल मैटर्स में घुस सकते हो। तो हर चीज़ को ओवर थिंक करना, प्लस मैं सिर्फ सुबह उठ रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ तो ठीक है, स्कूल से आ रहा हूँ, मैं सिर्फ मैथ्स कोचिंग नाम की लगाई, वहाँ जाके भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, साइंस कोचिंग नहीं लगाई, मैं जिम जा रहा हूँ। मतलब दिन में 24 में से अगर 8 घंटे फ्री हैं मेरे पास, तो 2 घंटा जिम, 1 घंटा कोचिंग, उसके बाद 5 4.5 घंटे में मोबाइल पे लगाऊँ। मैं मेरी शॉप तक नहीं आता था, मैं कुछ पढ़ता ही नहीं था। मैं ईमानदार से ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, ना कुछ, नथिंग, जीरो था मेरे अंदर। चीज़ें इतनी हैवी गई, मेरे को खाती गई। दिसंबर आया, दिसंबर में मेरा कुछ ऐसे फालतू निकला। जनवरी, फेबररी, फेबररी में जो मेरा कंफर्ट जोन ख़त्म होना चालू हुआ एक्चुअली पे, मेरा दोस्त कृष्णा, उसके साथ भी कुछ हादसा हुआ। ठीक है, वो भी कुछ चीज़ें सीखा मैंने। मैं हर चीज़ लोगों की मैं फ़र्क पड़ता था लोगों का, पर जैसे ही ठीक है कृष्णा के साथ कुछ हुआ, फिर मेरे साथ होता गया, तो हम दोनों की बॉन्डिंग थोड़ी थोड़ी मिलने लगी। फिर मैंने कंफर्ट जोन से, जो होता है ना, आदमी एक एग्ज़ाम दे दिया मैंने मेरे बोर्ड्स के, कोरोना के जस्ट पे मेरी पूरी मतलब पूरा ध्यान मैंने एक चीज़ पे लगाया कि कौन मेरी कितनी केयर कर रहा है और कौन नहीं। इस बीच में मेरी जो दो बेस्ट फ्रेंड्स थी वो कंप्लीट कंप्लीट बोल तो गई मेरी मेरी लाइफ से ऑलमोस्ट। ठीक है, मुझे सांस लेने दो। जब कृष्णा कृष्णा और हम सब बैठ के बात कर रहे थे, मैंने मेरी चैट्स खोली। ठीक है, जो मेरा साफ दोस्त था उससे भी कनेक्शन हट गया, जो दो लड़कियों से मैं अटैच हुआ था उनसे परमानेंट में हट चुका हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड कुछ टाइम के लिए मेरे पास वापस आई, हमारा रिकनेक्शन एट द एंड, मेरा किसी भी लड़की से बोलो मेरा रिकनेक्शन फेल है एक्चुअली। मैं रिसेंटली मैंने देखा, फिर मैंने जब उससे बात रिकनेक्ट किया लॉकडाउन में, ऐसा नहीं कि मैं लॉकडाउन में फ्री था तो मेरे को याद आ रही थी, नहीं, मैं जेन्युइनली उस लड़की को मिस कर रहा था, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और कोई मैं उसके लिए कोई फील नहीं करता था बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा। तो कंफर्ट जोन ने इतना घेर लिया था मेरे को कि उससे निकलने में मेरे को पूरा लॉकडाउन लग गया। और जब लॉकडाउन से मैं निकला तो मैं खुद बोल सकता हूँ मैं अपने आप का बेस्ट वर्जन था उस टाइम पे। मैं ना लोगों का सोचता था, मैं इतना इंट्रोवर्ट, एक्चुअली इंट्रोवर्ट होना एक ब्लेसिंग होती है, मैं तो बोलता हूँ एम्बीवर्ट होना तो ज़्यादा अच्छा होता, और ज़्यादा अच्छा हो गया। तो जब मैं निकला उस कंफर्ट जोन से, मैं लोगों के नंबर्स तक नहीं रख रहा था, लोगों की बात, तो मैं चाहता था कि लोग मेरे से नहीं मिले, कोई मेरे को मैसेज ना करे। तो फिर होता गया, फिर धीरे धीरे मैं जब दूसरी एक बेस्ट फ्रेंड से रिकनेक्ट हुआ, मेरा रिकनेक्शन उससे भी 1 महीने तक टिका, उससे भी सब खत्म। बट इन सब का मेन एक मीनिंग है मेरा कि जब कंफर्ट जोन पे ना घुसो तो ज़्यादा बेटर है। अपनी एक कोई भी एक छोटी चीज़, ओवर थिंकिंग को टैकल करना ईजी है पर उसको ख़त्म करना नहीं। हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरे को आज भी ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है। इस टाइम भी मैं वीडियो बनाने के टाइम पे भी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, बट मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मैंने मेरे यूट्यूब चैनल की, तो मैं घंटों तक काम कर सकता हूँ अपने चैनल पर। बट बोर्ड्स के कारण मैं पढ़ाई, ये सब चीज़ें सब मिक्सअप हो रही है, और मेरे साथ फिर से वही चीज़ हो रही है कि मैं कंफर्ट जोन में जा रहा हूँ लेकिन मैं अपने आप को खींच रहा हूँ फिर से, कि मुझे पता है मैं वो मिस्टेक नहीं करना चाहता। मैं काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मैस्ड अप ओवर थिंक कर रहा हूँ मैं भी, लेकिन मैं ओवर थिंक को अब टैकल करना सीख रहा हूँ धीरे धीरे। ओके, कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, इट्स नॉट द प्रॉब्लम। आपका बॉन्ड गया तो बॉन्ड नहीं बनने वाला है, आप कितना भी कर लो। एक बार जो बॉन्ड टूटा, उसका जब बॉन्ड बनता है तो काफ़ी ऑकवर्डनेस होती है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया पिछले रिसेंट डेज में। ठीक है, कोई बात नहीं, गया आपकी लाइफ से पर्सन, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर वो सामने आपके बारे में सोचता है ना, वो कुछ ज़रूर ट्राई करेगा कॉन्टेक्ट करने का। फिर इस सब का यही मीनिंग है कि कंफर्ट जोन से एक बस बाहर निकलो। जैसे मैंने उस टाइम पे कोई एक्टिविटी नहीं, अभी आज जैसे मैं एक फिल्म मेकिंग का पढ़ाई करता हूँ, वैसे मैंने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं, जीरो। अगर मैं बोलूँ 2019 में, बस मैं ज़रा सा बाहर आ जाता हूँ कंफर्ट जोन और वो ओवर थिंक की प्रॉब्लम से, बस एक ज़रा सा, तो
आज मैं जहाँ बैठा हूँ ना, मैं उसका लेवल ही मेरा अलग होता, ना तो मेरी दो बेस्ट फ्रेंड मेरे से अलग होती, ना मेरे ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम होती, और सबसे बेस्ट मेरी एक वैल्यू होती जो आज है। आज तो वैसे मैं लोगों से बात ही नहीं करता, तो मेरी वैल्यू को मेरे नीड ही नहीं है, कि जितने लोग जानते हो बहुत वैल्यू करते हैं। अगर वो नहीं होता वो टाइम, तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होती, लेकिन मैं सीखा उस टाइम से। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं उस टाइम को बुलाना नहीं चाहता, मैं काफ़ी कुछ सीखा, मैं किस ग्रुप से क्या बिलोंग करता हूँ, कौन सी चीज़ मेरे लिए बेस्ट है। मैं पिछले 3 ग्रुप्स को छोड़ के मैं मेरे फाइवर्स पे आया हूँ। फाइवर्स खुद बना था, उसको नाम मैंने दिया फाइवर्स। काफ़ी लोग उसको हमने नाम चेंज ही नहीं करने दिया, मैंने उसको वापस फाइवर्स कराया। एट दी एंड मुझे फाइवर्स की दोस्ती पसंद आई है मुझे, और कहीं का कोई ग्रुप पसंद नहीं आया। मैं बात सबसे करता हूँ, लेकिन जब मेरा कोई प्लान बनता है ना, मैं फाइवर्स के पास ही जाता हूँ। एट दी एंड मेरे 5 दोस्त हैं, उसके अलावा मेरे कुछ 2-3 गिने चुने दोस्त हैं, मैं उनके पास जाता हूँ बस। और बात रही लड़कियों में, दी एंड, मेरा तो किसी से कुछ नहीं है। हाँ, एज फ्रेंड में बात करता हूँ मैं तो। आजकल एक लड़की है, वो सेम वाइब्स दे रही थी जैसे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी थी, तो वो भी मेरे को पीछे पड़ गई थी, पढ़। मैंने उस लड़की से 2 दिन बात ही नहीं की, तो इतना मेरे अंदर का इतना ब्रोक करके मैंने उसको अपने आप को जोड़ा है ना, कि ठीक है अब मुझे लोग अब चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि मेरे पास वो इंसान वापस नहीं आ सकता। मैंने ट्राई करा रिकनेक्ट होने का, बट मेरे रिकनेक्शंस फेल हैं। तो एट दी एंड मैंने कहना ये कहना चाहूँगा कि आप ओवर थिंक को टैकल करो, बंद मैं नहीं करा सकता। ओके, मैं खुद ओवर थिंक से पीड़ित हूँ प्रॉब्लम, तो आप बस उसको टैकल करो। कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी एक स्किल, हॉकी, फुटबॉल, एनीथिंग, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी करो, बट कुछ करो। और हमेशा किसी पे ध्यान दो, आपके सामने कौन है और पीछे क्या कर रहा है, मगन मत हो जाओ उसकी दोस्ती में, कभी भी नहीं। एक बार आपने अगर देख लिया कि वो इंसान कैसा है तो बस, अगर अच्छा है तो आप रह सकते हो, और अगर आपको वो टोपी पहना रहा है तो उसको हटा दो। मैं लोगों से 1.5-1.5 साल 3-3 साल बात नहीं करता हूँ, मुझे पता है कि लोग मैं पहचानना सीख रहा हूँ धीरे धीरे, कि और आगे क्या सोच रहा, कौन सोच क्या रहा है मेरे बारे में। मैं भी आजकल ये भी सोच लेता हूँ, तो ठीक है, लेकिन मैं गिने चुने लोगों के बारे में भी फ़र्क रखता हूँ। तो मेरी बकवास आपको अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो ठीक है, मेरे कम्फर्ट जोन में वो कैसे किल करा सब किया, और उस सबसे लेकर आज तक का ये हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो ये होती है कि मैंने 5 मिस्टेक्स क्या की, उसमें से थोड़ी आपको ये वीडियो की सेम वाइब्स आएंगी। तो मैं फिर मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना 12 मिनट की बकवास देखने के लिए। थैंक यू।